नमस्कार, गुड दिन समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। रूस ने आईएसआईएस पर खतरनाक रासायनिक बमों से हमला किया। तुर्की द्वारा अपना विमान गिराए जाने से नाराज रूस ने सीरिया में आतंकी और विद्रोहियों पर कहर बरपा दिया है। आईएस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए आतंकवादियों की राजधानी रक्का में फास्फोरस बमों से हमला किया है। व्हाइट हाउस के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वेन रोड्स ने भी कहा है कि रूस अपने अभियान के तहत पहले आईएस के ठिकानों पर यदाकदा ही हमला करता था, लेकिन अब उसके अभियान में तेजी आई है। चिदम्बरम के बेटे की कंपनी पर ईडी और आयकर का छापा। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रह चुके कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की कंपनी वासन ग्रुप के कार्यालयों पर प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने एक साथ छापे मारे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2012 में चिदम्बरम के बेटे पर कई आरोप लगाए थे। आयकर अधिकारियों के अनुसार छापों का यह मामला एयरसेल मैक्सिस मामले में कार्ति चिदम्बरम की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों ही एजेंसियां कंपनी से मिले कागजातों को खंगाल रही हैं। इसमें पैसे के गलत लेनदेन का आरोप है। पाकिस्तान उच्चायोग में छिपा है आईएसआई एजेंट। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत की महत्वपूर्ण जानकारियां देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद और कैफतुल्ला खान से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दोनों ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि राजधानी दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग में भी एक व्यक्ति है जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। पुलिस ने बताया कि खान को आईएसआई ने भर्ती और सूचना शेयर करने के लिए पाक बुलाया था, लेकिन उसके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उसे उच्चायोग में मौजूद एक व्यक्ति से बातचीत करने के लिए कहा गया। इस शख्स की पहचान के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाएंगे वेद और गीता, स्मृति ईरानी ने कहा। स्कूली शिक्षा में धर्म ग्रंथों का ज्ञान शामिल करने के मसले पर लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि भगवत गीता, वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में ईरानी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन भाषा सीखने के इच्छुक 6ठी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को इसे अतिरिक्त विषय के तौर पर पढ़ाने की अनुमति है, बशर्ते किसी स्कूल में 15 या इससे ज्यादा छात्र इसका विकल्प चुनते हैं। भाजपा सांसदों को सोच समझकर बोलने की नसीहत। भाजपा संसदीय दल की मंगलवार को हुई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने पार्टी सांसदों को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी सांसदों के हाल में दिए गए विवादास्पद बयानों के कारण पार्टी और सरकार को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी है। इस बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि संसदीय दल की बैठक में हाल में बिहार में सम्पन्न हुए चुनावों और असहिष्णुता पर चल रही राजनीतिक बहस पर भी चर्चा हुई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।